भारतीय टीम के बल्लेबाज शिखर धवन अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ समय पहले उन्होंने अपने बेटे से दूर होने की खबर दी थी, जिसके बाद उन्हें कई दिग्गजों का सपोर्ट मिला था। वहीं अब शिखर धवन ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। गब्बर ने बताया कि शख्स के बिना रहना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। दरअसल हाल ही में शिखर धवन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने बेटे को बहुत मिस करते हैं। उन्होंने कहा कि वो जोरावर को गले से लगाना चाहते हैं। गब्बर ने खुलासा किया, जब मैं एक हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे से मिलने जाता था तो वो मुझसे केवल कुछ घंटों के लिए मिलता था। मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हूँ कि वो मेरी बाहों में सोए। मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ, उसे तंग करूँ, उसे पिता का प्यार दूँ जिसका वो हकदार है। पिछले 5-6 महीनों से मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में शिखर धवन ने अपने बेटे के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने जोरावर की तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, 1 साल हो गया जब मैंने तुम्हें व्यक्तिगत तौर पर देखा था। अब करीब 3 महीने से मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है, इसीलिए तुम्हें विश करने के लिए वही तस्वीर पोस्ट कर रहा हूँ। मेरे बेटे, तुमको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें, शिखर धवन ने 2012 में आयशा मुखर्जी के साथ शादी की थी। दोनों की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे से बातचीत की और फिर डेट करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ समय के बाद कपल ने सिख परंपरा से शादी कर इस रिश्ते को एक नाम दे दिया। कई सालों तक दोनों के बीच काफी प्यार रहा और उनको बेटा भी हुआ, जिसका नाम जोरावर रखा गया। लेकिन साल 2021 में इन दोनों के रिश्ते को जैसे किसी की नजर लग गई हो और आयशा मुखर्जी ने अलग होने की खबर दी। ऐसे में शिखर धवन और मुखर्जी ने तलाक दर्ज किया, जिसको कोर्ट ने पिछले साल मंजूरी दे दी। बता दें कि आयशा मुखर्जी की शिखर धवन से दूसरी शादी थी। इससे पहले उनका तलाक हो गया था और पहले शादी से उनकी 2 बेटियां हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट एडिक्टर को लाइक और सब्सक्राइब करें।